आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विभिन्न कार्यक्रमों में किए शिरकत, रविवार को लखनऊ होंगे रवाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के तहत 180 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के कुल 373 महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन विकास कार्यों का किया शिलान्यास, दो पुस्तकों का किया विमोचन, सरकार के 4 साल पूरा होने पर जनता को दी बधाई, कहा विकास की बुलंदियों को छू रहा है उत्तर प्रदेश। 21 मार्च को जारी होगी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के आरक्षण की सूची, डीपीआरओ ने कहा नई सूची में कुछ क्षेत्रों की बदल जाएंगी आरक्षण की सीटें। गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित नाथ संप्रदाय का वैश्विक प्रदेश विषयक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारम्भ, कहा सिद्ध संप्रदाय है नाथ पंथ। आधार कार्ड में गड़बड़ी कर फर्जी वोटर आई कार्ड बनाकर करोड़ों की जमीन की कीमत मात्र 2 लाख दिखाकर पीड़ित को 10,000 देकर जालसाजों ने अपने पक्ष में करवाया मुआदा बय, डायल 112 पर फोन करके आरोपित को किया कैन पुलिस के हवाले, जांच में जुटी पुलिस। शहीद रविंद्र सिंह की स्मृति में 13 से 17 मार्च तक गोरखपुर में खेल महोत्सव की प्रकाशित स्मारिका गोरखपुर खेल महोत्सव 2021 की प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आयोजन समिति ने किया भेंट, मुख्यमंत्री ने सफल आयोजन के लिए समिति को दिया साधुवाद। टाउन हॉल स्थित कचहरी क्लब के मैदान में एक जिला एक उत्पाद के तहत आयोजित रेडीमेड गारमेंट्स प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अवलोकन, कहा रेडीमेड गारमेंट्स का हब बनेगा गोरखपुर। गोरखपुर में शनिवार को मिले 5 नए कोरोना संक्रमित मरीज, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 21,531, अब तक 366 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 44 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। और अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में संपन्न हुई कर करेत्तर व राजस्व प्राप्तियों की मंडलीय समीक्षा बैठक, राजस्व वसूली एवं वसूली के सापेक्ष जारी आरसी पर कार्रवाई के दिए निर्देश।